हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्रल। कैसे हैं आप? सो दिस इज पॉलीमर का पहला वीडियो। यहाँ से अब हम पॉलीमर स्टार्ट करेंगे। पॉलीमर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऑनेस्टली अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो या आप एमएसटी सीटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 12th लेवल तक, तो पॉलीमर इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट करनी पड़ेंगी, लाइक पॉलीमर्स में मोनोमर्स क्या क्या हैं, कितने कितने टाइप की। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, फार्मूलाज हैं। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ फॉर्मुलेज बाय हार्ट करने पड़ते हैं मॉलिकुलर मासेस से रिलेटेड, बट आप जेई मेंस तक या नीट तक या एमएसटी सीईटी लेवल तक कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप बीएससी एमएससी में हो वहाँ पर भी आपको पॉलीमर में कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बट 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक आपको पॉलीमर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बाय हार्ट करनी है। तो कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा डिटेल में भी लूंगा और कुछ कुछ चीज़ों को मैं ब्रशअप करके फटाफट बताऊंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 वीडियोज में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले समझते हैं पॉलीमर बेसिकली होता है। देखो, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे हम लोगों ने, आपने कभी देखा होगा बिल्डिंग्स, एक फ्लैट होता है, फिर एक और फ्लैट होता है, एक और फ्लैट। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में हमने कैसे देखा, यूनिट सेल। यूनिट सेल से क्या बनता है, पूरा क्रिस्टल बनता है। वैसे ही जब कोई छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं तो हमें मिलता है पॉलीमर। जो वो एक छोटी चीज होती है जो बार बार रिपीट करेगी, हम उसे कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं उसे? हम उसे मोनोमर कहते हैं। मोनो यानी सिंगल। तो एक सिंगल चीज दूसरी सिंगल चीज के साथ जब किसी तरीके से जुड़ जाती है, जैसे माला बनती है मोतियों की, जैसे आपने बचपन में ये गेम खेला होगा, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, आप इन तीनों चीजों को जब जोड़ने लगते हो तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये मोनोमर कहलाएंगे और इसको हम कहेंगे पॉलीमर। ग्रेट। अब पॉलीमर हमारे पास कितने बड़े हो सकते हैं? बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, आपने सेलुलोज के बारे में पढ़ा होगा, आपने ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा होगा, हमने देखा था कि वहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इफ यू रिमेंबर दैट, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में भी ये सब पढ़ा है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये मेरी पीपीटी जो है बहुत पुरानी पीपीटी है, जहाँ मैं जब ऑफलाइन पढ़ाया करता था 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को मुंबई में, तो वहाँ की उस बहुत साल पहले मैंने ये पीपीटी बनाई थी। तो थोड़ी हो सकती है पुरानी सी लगे आपको, बट ये नोट्स बनाने में काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, तो पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कंपोज ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड एज मोनोमर। ठीक है, राइट। मोनोमर्स आर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, वो छोटे होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड हैव ए कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग 2 केमिकल बॉन्ड। आपका अगर एक मोनोमर है तो वो एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। इस तरीके से एक मोनोमर 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, 2 सेपरेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा। पॉलीमर्स आर यूज इन डेट। आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी आप 12th में हो या आप बीएससी में हो या एमएससी में, आप मुझे नहीं पता कहाँ मुझे ये वीडियो देख रहे हो, बट जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, आज के टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री है। जितने भी आप चीजें देख रहे हो, मैं ये जो पेन पकड़ा हुआ हूँ ये भी एक पॉलीमर है। जितनी भी मेरे आसपास की मैक्सिमम चीजें इस रूम में प्रेजेंट होंगी ना, मैक्सिमम चीजें पॉलीमर होती हैं। जितना आप प्लास्टिक देखते हो, जितने आप पाइप्स देखते हो, जितने आप पैकेजिंग मटेरियल्स देखते हो, सब पॉलीमर है। सबसे ज्यादा रिसर्च भी अगर हो रही है तो भी वो भी पॉलीमर में ही हो रही है। आप देखोगे, अगर आप एडवांस लेवल पे जाके जब आप रिसर्च करने बैठोगे तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत ज्यादा दो साइंस हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं। एक जिसको हम कहते हैं पॉलीमर और दूसरा जिसको हम कहते हैं नैनो केमिस्ट्री। ये 2 ऐसी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की फिलहाल जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च होती है। पॉलीमर तो काफी पुरानी ब्रांच है, इसमें रिसर्च मतलब नए नए मटेरियल बना रहे हैं, अलग अलग किस्म के मटेरियल बना रहे हैं। ज्यादातर पॉलीमर के मटेरियल मिलिट्री वगैरह में यूज होते हैं, या एयरक्राफ्ट वगैरह, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आपने देखा होगा आजकल प्लास्टिक्स आ जाते हैं, स्कूटी जो बनती है उसका जो आगे का या बाहर का जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वो भी एक तरीके का पॉलीमर। तो पॉलीमर हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में। पीवीसी पाइप्स हो गया, पॉलीथीन के बैग्स हो गया, रेनकोट्स हो गया, कारपेट्स हो गया, ये सब पॉलीमर। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, आजकल तो बहुत सारी चीजें जो आर्टिफिशियल, फ्लावर्स आर्टिफिशियल आने लग गए, सब पॉलीमर है बॉस, सब कुछ पॉलीमर है। ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस के बाद या काफी सीनियर होने के नाते, कि पॉलीमर ब्रांच जो है ये इंसान की सबसे घटिया और सबसे बेकार खोज है। रीजन क्या है? क्योंकि ये पॉलीमर्स की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते। हाँ, अब हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बना लिए हैं, हमारे पास ऐसे पॉलीमर हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं, बट मैक्सिमम जो हमने बनाए हैं ना वो डिग्रेड नहीं होते हैं। इसीलिए आप देखोगे हमारे अर्थ में या हमारे यूनिवर्स में या हमारे एटमोसफियर में आजकल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका एक मेजर कारण ये पॉलीमर है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर को बनाने के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए। अब पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? What are the different types of polymers? तो हमारे पास एक पूरा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का।
पॉलीमर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये बात में आप नोट डाउन करके लिख लेना चाहिए, तो मैं आपको पीपीटी को पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। सबसे पहले हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरी। सबसे पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, आपने पॉलीमर कहाँ से निकाला, आपने लेबोरेटरी में, आपको पता है नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, आपकी पूरी बॉडी पॉलीमर की बनी हुई है, आप ये जितना स्किन देख रहे हो ये पॉलीमर है एक तरीके का, एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, सेल बाय सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपका पूरा हार्ट, कार्डियक मसल्स और पॉलीमर, क्योंकि उसमें जो कार्डियक मसल्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। स्ट्रक्चर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से पॉलीमर को बनाया है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उस पॉलीमर के अंदर कौन से टाइप की फोर्सेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं पॉलीमर की वीक फोर्स हैं, और वो किस तरीके से उसका ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैसे किया बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है नेचर पे बेस, सोर्स पे बेस, तो हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं और हमारे पास होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, यानी एक तो नेचुरल जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो वुल वगैरह होती है, सिल्क वगैरह होता है, वो सब नेचर में मिलता है, ठीक है, और सेमी सिंथेटिक होते हैं जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं कुछ, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक जो हमने कम्प्लीटली बन, सेमी सिंथेटिक वो होते हैं जिसमें हमने नेचर से मिले हुए पॉलीमर में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। जैसे अगर आप देखोगे रबर मिलता है, रबर हमको जो नेचर में मिलता है वो अलग फॉर्म में मिलता है, बट हम उसमें जब कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। सिंथेटिक जो होता है वो कंप्लीटली लेबोरेटरी में बनाया हुआ प्रोसेस है, उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर आप कैसे क्लासिफाई करोगे, वो लीनियर हो सकता है मेरा पॉलीमर जो हो वो कंप्लीटली ऐसा, एक मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, वो लीनियर हो, धागे की तरह, वो हो सकता है ब्रांच्ड हो, वो हो सकता है इस तरीके उसमें ब्रांचिंग निकली हो, या वो हो सकता है वो नेटवर्क या क्रॉस लिंक। अब ये क्रॉस लिंक पॉलीमर युक्त, आप लोगों ने अगर बर्ज ऑयल पेंट वगैरह का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ये पेंट इस पे पानी दाग धब्बा ना टिके, टकराए तो रिटर्न आ जाए, क्रॉस लिंक पॉलीमर युक्त, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं ना वो लोग, हाँ, तो वो नेटवर्क या क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं वो भी एक टाइप का पॉलीमर होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एडिशन पॉलीमर, आपका जो पॉलीमर बना है वो दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करके या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऐड करके बना हुआ है कि वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर का मतलब आपके पास एक ए होगा, आपके पास एक ए होगा, आपके पास एक ए होगा, सेम टाइप का मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, आपके पास एक ए बी होगा, इसमें से कुछ तो बाहर निकलेगा, इनका बॉन्ड बनेगा, फिर आपके पास ए बी होगा, बी और ए में से कुछ तो बाहर निकलेगा, बॉन्ड बनेगा इन दोनों का आपस में, तो देर विल बी समथिंग विच विल, जैसे हमने पॉलीपेप्टाइड पढ़ा था, याद करो अमीनो एसिड के केस में हम पढ़ रहे थे, पॉलीपेप्टाइड हम लोगों ने पढ़ा हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमर, इसको को पॉलीमर भी कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, भाई आपका जो बॉन्ड पॉलीमर बना है उसमें फोर्सेस कैसी हैं, वो इलास्टोमर हो सकता है, वो फाइबर हो सकता है, कि वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, कि वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। हमारे पास चार टाइप के होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये चार टाइप के, इनको एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ग्रोथ चेन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब पहले एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ये पूरा मैंने यहाँ, अच्छा एक और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो होमोपॉलीमर है कि वो कोपॉलीमर है, फिर वो बायोडिग्रेडेबिलिटी पे भी क्लासिफाई करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो दिस आर ऑलमोस्ट ऑल द क्लासिफिकेशन दैट आई हैव डन। नाउ सबसे पहले बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट्स में से मिल सकते हैं, पुराने जमाने में हम उसी से निकाला करते थे, नेम्ड एज प्लांट पॉलीमर या एनिमल पॉलीमर, फॉर एग्जांपल सेलुलोज हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, सिल्क हो गया, ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं इसके ऊपर, सेलुलोज, जूट, लिनन, सिल्क, वुल, अभी ये सभी महंगे हो गए हैं, जो नेचुरली पॉलीमर होते हैं ना वो महंगे मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर मतलब किसी ह्यूमन बींग से या किसी प्लांट से किसी से निकालना पड़ेगा लेबोरेटरी में, नहीं तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाए, इसलिए देखो सिल्क के कपड़े थोड़े महंगे आते हैं, लिनन के कपड़े थोड़े महंगे आते हैं और अलग ही दिखते हैं। सेमी सिंथेटिक दे आर नेचुरल पॉलीमर विद इंप्रूव प्रॉपर्टीज बाय केमिकल ट्रीटमेंट, एग्जांपल एसिटेट रेयन, विस्कस रेयन, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, सिल्क को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो उसको क्यूप्रा अमोनियम सिल्क कह देते हैं, रेयन को एसिटेट रेयन, तो देर आर सम पॉलीमर जो नेचर में मिलते थे, वीक होते थे, हमने मॉडिफिकेशन किया उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। सिंथेटिक कंप्लीटली लेबोरेटरी में बनते हैं, दे आर मेन मेड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, एग्जाम्पल के तौर पर नाइलॉन, एग्जाम्पल के तौर पर टेरलिन, पॉलीथिन, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सोर्स पे क्लासिफाई किया। दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर मतलब क्या होगा, एकदम स्ट्रेट पॉलीमर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इथीन है, आई हैव इथीन, अब सोचो अगर मेरे पास ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मेरे पास ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब अगर इनको जुड़ना होगा तो इस कार्बन का इन दोनों को अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
ये, और इसको अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऐसे। अब देखो ये एक सी एच टू था, ये दूसरा सी एच टू था, ये तीसरा सी एच टू था, अब देखो ये आपस में जुड़ गए, पर लीनियर जुड़े हुए हैं, मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस चेन विदाउट ब्रांचेस, हम इनको क्या कहते हैं, लीनियर, इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। इथीन जब बार बार एक दूसरे में जुड़ जाता है, हमने पॉलीथीन का बैग दे दो, पॉलीथीन का बैग दे दो, कई बार होना होगा, व्हाट इज दिस पॉलीथीन का बैग, इथीन को के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे में आपस में अटैच हो जाते हैं, हम उसे पॉलीथीन कहते हैं। ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, दे हैव वन मेन चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्मॉलर चेन या ब्रांच चेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे सी एच टू लगा है, यहाँ पे हाइड्रो, इसके नीचे सी एच थ्री लगा हुआ है, फिर मेरे पास एक और सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच है, इसके नीचे सी एच थ्री लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन को बॉन्ड बनाना है, ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, वो अपना डबल बॉन्ड वहां से तोड़ेगा, इस सी एच थ्री का, इस सी एच थ्री का उस लिंकिंग में कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखो ये एक मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल अभी कंटिन्यू होता जाएगा, तो ये एक मॉलिक्यूल था जिसमें एक ब्रांच निकली हुई है, दूसरा मॉलिक्यूल था ब्रांच निकली हुई, तो ये मोनोमर मोनोमर ऐसे बहुत सारे मोनोमर चिपक जाएंगे, तो उसमें उस सी एस थ्री का कोई लेना देना नहीं है, इस सी एस थ्री का कोई लेना देना नहीं, इसको कहते हैं प्रोपिलीन, इसको कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, प्रोपिलीन पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क या क्रॉस लिंक पॉलीमर, अब देखो इसमें ऐसे इस तरीके से एक चेन होगी, इस तरीके से एक चेन होगी, इस तरीके से एक चेन होगी, और इनके बीच में किसी तरीके से तो नेटवर्क बन जाएगा। अब ये नेटवर्क हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने, हो सकता है रियल में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, सल्फर यहाँ बीच में आ जाए, यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना ले, हम उसको कहते हैं नेटवर्क या क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब ये देख रहे हो ये हाइड्रोजन, आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से, उसमें वो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा एटीजीसी के बीच में, तो वो भी एक तरीके का क्या बन गया, ये एक पॉलीमर था, आपका डीएनए भी एक पॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, कौन है उसके रिपीटिंग मोनोमर, कौन है एटीजीसी, उसके रिपीटिंग मोनोमर्स हैं, एटीजीसी एटीजीसी रिपीट होते हैं, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ होगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अगर आपने मेरा बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ा होगा, तो ये भी तो एक तरीके से क्या हो गया, क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया। अब क्रॉस लिंकिंग दो तरीके की हो सकती है, परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, जैसे हम रबर में पढ़ेंगे, बीच में कोई ऐसा आइटम आ जाए जो इसको भी पकड़ के रखे और इसको भी पकड़ के रखे, या हो सकती है वो वीक हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ये देख रहे हो ये ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो। आई होप लॉजिक समझ में आए, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, आप लिख लेना, वरना पीडीएफ में आपको दे दूंगा। उसके बाद बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर मैंने आपको बता दिया, एक ही मॉलिक्यूल होगा जो एक में ऐड होते जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइरीन है, ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सी एच टू सी एच टू, इसको क्या कहते हैं इथीन, इसमें से एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ सी एच थ्री लगा दो, क्या बन जाएगा, ये हमने पढ़ा इधर प्रोपिलीन, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हटा दो, यहाँ बेंजीन रिंग लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा स्टाइरीन। ये याद रखने हैं, ये सारे मॉलिक्यूल नोट डाउन करके रख लेना कहीं पे, क्योंकि पूरे पॉलीमर में आपको यही सब पूछा जाएगा। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होगा जो बार 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 रिपीट करता जाएगा, जैसे हो सकता है सी एस टू सी एस टू, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, यू हैव टू मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ जब तक कुछ बाहर नहीं निकलेगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन में देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे, वो होमोपॉलीमर हो सकता है कि वो कोपॉलीमर हो सकता है, मतलब वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे ए और ए है, सेम टाइप का है, कुछ तो बाहर निकलेगा फिर बॉन्ड बनेगा। व्हेन समथिंग कम्स आउट, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में कुछ चीज बाहर निकल सकती है, तब हम उसको कहते हैं वो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है देयर इज समथिंग कमिंग आउट, तो यहाँ से देखो ये OH और ये H अगर बाहर निकल जाए तो सिलिकॉन का डायरेक्ट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, देखो सिलिकॉन का डायरेक्ट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहाँ ये सिलिकॉन हो गया, तो मॉलिक्यूल सेम है, बोथ द मॉलिक्यूल्स आर सेम, ये होमोपॉलीमर हो गया, होमो मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ए प्लस ए गिव्स यू ए बॉन्ड ए का भी हो सकता है या वो ए बी टाइप का भी हो सकता है, जिसमें ए बॉन्ड बी बनेगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर, और ये रिपीट करता चला जाएगा। अगर ऐसा बनेगा तो हम उसे कोपॉलीमर कहते हैं, दो लोगों का युक्ति बना है, और ऐसा होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर। समझ में आया। फिर होता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन? साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में, फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे लेक्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइक्लिक ईथर्स होते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं तो साइक्लिक होते हैं, हम उनकी रिंग ओपन करते हैं और वो पॉलीमर के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब हमारे पास अगला आता है जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, मतलब आपके पास आपका ए और ए है, ये इस तरीके से जो रिपीट होता जाएगा, या आपके पास हो सकता है ए बॉन्ड बी हो जो इस तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स कैसी है,
ये जो फोर्स है वो कैसी है। अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इट्स वेरी स्ट्रांग, तो हम उसे कहेंगे वो फाइबर है। अगर ये फोर्स थोड़ी वीक है, हम उसे कहेंगे वो इलास्टोमर। द पॉलीमर शोइंग इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड द पॉलीमर चेन स्ट्रेचेस, बट ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग टीयरिंग इज प्रिवेंटेड। आफ्टर स्ट्रेस इज रिलीज द पॉलीमर रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन। मतलब जैसे आपने रबर को देखा हो, आप रबर को खींचो 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 तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है क्योंकि क्रॉस लिंकिंग है। जैसे जाली, आपने कपड़ा देखा होगा, जाली मैस वगैरह देखा होगा, जाली होती है ना, क्रॉस लिंकिंग, ऐसे खींचोगे छोड़ दो तो वो वापस आ जाता है। तो जो पॉलीमर जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जो इलास्टिसिटी शो करता है, हम उसे कहते हैं वो इलास्टोमर्स। फाइबर्स हम किसे कहेंगे? स्ट्रॉन्ग, जैसे फॉर अच्छा यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस पॉलीमर पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली? अगर आप किसी फाइबर के ऊपर वजन डालते हो, किसी धागे पे, और अगर वो खिंच जाता है, वो खिंच जाता है, हम उसको कहेंगे वो इलास्टिक है, वो इलास्टोमर। लेकिन अगर वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, जैसे नायलॉन का धागा, आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, कितना ही वजन उस पर लटका दो, नायलॉन का धागा खींचता नहीं है जल्दी, स्ट्रेच नहीं होता है जल्दी, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत ज्यादा वजन अपने, उसके मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो लूज नहीं पड़ेंगे जल्दी इजिली, ठीक है। उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आपने देखा होगा नायलॉन, जैसे आपने देखा होगा टेरिलॉन, ये टेरिलिन, ये स्ट्रांग फाइबर्स में कंसिडर किए जाते हैं। नायलॉन एक बहुत स्ट्रांग फाइबर है, याद रखना। वो फाइबर का मतलब ये नहीं होता धागा, फाइबर हम उसे कहते हैं जिस पॉलीमर में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हम उसे फाइबर कहेंगे, ठीक है। अब इलास्टोमर भी फाइबर के फॉर्म, फाइबर का मतलब हमारी माइंडसेट क्या होती है, धागे के फॉर्म में होना चाहिए। फाइबर का मतलब धागा नहीं होता, फाइबर का मतलब फाइबर्स, वो अलग बात है कि हम कहते हैं धागा होना चाहिए, बट फाइबर्स का मतलब होता है सच पॉलीमर्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दो कैटेगरी समझ में आई, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। अब कुछ पॉलीमर ऐसे भी होते हैं जिनको आप गर्म करो वो मेल्ट हो जाएंगे, आप उनको फिर से शेप दे दो वो फिर से शेप में आ जाएंगे। मतलब उनके ऊपर हीटिंग से उनका बॉन्ड टूटता नहीं है। आप गर्म करोगे वो मेल्ट हो जाते हैं, बॉन्ड थोड़े वीक हो जाते हैं, वो थोड़े मेल्ट हो जाते हैं, ठंडा कर दो वो फिर से जम जाएंगे। हम उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। आपने देखा होगा बहुत बार कचरे चुपने वाले आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह चुप के लेके जाते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि कुछ प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह फेंको मत, इनको डस्टबिन में डाल दिया करो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो रिसाइकल हो सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है, सॉरी थर्मोप्लास्टिक हम उसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दिस द प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड, दे कैन बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं बार बार। आप जो पॉलीथीन के बैग्स वगैरह देखते हो, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है बार बार। इसीलिए आप देखोगे कचरा चुपने वाले जो होते हैं दूध की थैलियाँ उठा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो रिसाइकिल हो सकती है। अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है, हर पॉलीथीन का बैग रिसाइकल नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ साइज मैक्रोन वगैरह कुछ साइज है जो मैटर करता है। नॉट एवरी प्लास्टिक, एवरी पॉलीथीन बैग कैन बी रिसाइकल। पॉलीथीन डज नॉट मीन ऑल दी प्लास्टिक बैग, ठीक है, इसमें भी फर्क होता है। आपने देखा होगा जो छोटी एकदम ट्रांसपेरेंट पिछवी आती है ना, वो बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं करी जा सकती इजिली, उसको हम अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप जो मोटे वाले बैग्स देखते हो, प्लास्टिक के जो बैग्स देखते हो ना, मोटे वाले, बड़े वाले, जो वो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, उनको आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को रिसाइकिल रीमोल्ड किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर को नहीं किया जा सकता। जैसे आपने स्विच के बोर्ड्स देखे होंगे, वो पॉलीमर था, लिक्विड स्टेट में था, एक बार आपने उसको फॉर्म दे दिया, उसके बाद अब उसको आप दोबारा हीट करोगे तो वो खराब हो जाएगा, उसको रिसाइकल या रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर, हेंस दे कैन नॉट बी रिसाइकल और रीमोल्डेड, एग्जांपल बेकलाइट, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमारे नेचर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एक तरीके से अच्छे होते हैं, फाइबर्स का यूज करते हैं जहां पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इलास्टोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, उनको हम बार बार उनको खींच सकते हैं, फिर वो अपने पोजीशन पे चले, एक हद से ज्यादा लोगे तो शायद टूट भी सकते हैं। आई होप यहां तक लॉजिक समझ में क्लियर है। अब इससे आगे हम पॉलीमर में बढ़े, पॉलीमर बनते कैसे हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए, जिसको कहते हैं रेडिकल। ये रेडिकल होता क्या है और रेडिकल बनता कैसे, क्योंकि पॉलीमर बनने के प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए कल को मैं एक मीथेन का मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके आता हूँ, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, कार्बन विद फोर हाइड्रोजन। मुझे पता है ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। कल को अगर ये बॉन्ड टूट जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है, इसको हम लोग कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक
फ्यूजन। जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये जो एक मुझे मिला है इसको हम कहते हैं रेडिकल। का मतलब होता है बॉन्ड टूटने के बाद जब इक्वल बॉन्ड टूटता है, जैसे HCl के केस में अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं? आयंस। और इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ये सारी चीजें नोट डाउन करके रख लेना, आपको काम आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये बेसिक्स पढ़ाया जाता है। तो जब रेडिकल बनता है, अब रेडिकल किस तरीके से बना जा सकता है, एक तो तरीका होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए। अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो सिग्मा, अब मुझे पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, और मुझे ये भी पता है जो पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं साथ के साथ में लिखते जा रहा हूँ, इट्स अ वीक बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब मीथेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना तोड़ने का, तो उसको ये, अगर मीथेन का हमको मीथेन में से रेडिकल बनाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा। पर अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं सिग्मा बॉन्ड की जगह मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो मुझे यहाँ रेडिकल कैसे बनेगा? ये मेरे पास CH2 होगा, यहाँ पे ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास CH2 ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब ये यहाँ बॉन्ड बना सकता है, ये यहाँ किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। लॉजिक समझ में आया? जैसे अब ये हाइड्रोजन के पास, ये कार्बन है, ये अपना बॉन्ड किसी के साथ भी बना सकता है। सामने क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक जगह बना के छोड़ देता हूँ, बॉक्स बना के छोड़ देता हूँ, वहाँ कोई भी आ सकता है। तो जब डबल बॉन्डेड सिस्टम का पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन इक्वली लेके चले जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वल, जिसको होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं, तो हम उसको एक सिंगल हुक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब हेटेरोलिटिक होती है तो हम लोग उसको ये प्रॉपर पूरी एरो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल यहां पर भी मैं ले लेता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहां पर ये जो, इसको कहते हैं परोक्साइड, ये परोक्साइड लिंकेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, परोक्साइड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन ना, तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन आता है तो उसे परोक्साइड लिंकेज कहते हैं। अब इस परोक्साइड के ये साइड में भी CH3 सी डबल बॉन्ड है, ये साइड में भी CH3 सी डबल बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से इक्वल, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा, तो मुझे यहाँ दो रेडिकल मिलेंगी। एक मुझे मिलेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ऑक्सीजन एक रेडिकल के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, यहाँ ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे CH3। आई बात आपको समझ में? तो इस तरीके से याद रखना, ऐसे ये एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसका और एक इसका, उसने अपना ले लिया, इसने अपना ले लिया। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे मुझे रेडिकल बनाना होगा, अब देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर, ऐसे केसेस में मैं ये तीनों एग्जांपल्स आपको सिखा रहा हूँ, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, 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 तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये भी रेडिकल हो गया, ये भी रेडिकल हो गया, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन CH2 ये अपने पास आ गया। जो एक्सट्रीम कॉर्नर वाले होते हैं ना, वो अपने वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, और जो बीच बीच वाले दोनों कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH2 एक रेडिकल के साथ, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 उसका रेडिकल के साथ। तो इसमें जब होगा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको अगर मुझे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना, मैं कहूँगा देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब इधर का एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ आ गया, इधर का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड था, वहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो इस तरीके का मेरे को कंपाउंड बन जाएगा। अभी मैंने चार मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिए, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल मुझे आने वाले केसेस में काम आने वाले हैं, इसलिए मीथेन तो मैंने सिर्फ टाइम पास करने के लिए लिया, आपको समझाने के लिए किस तरीके से होता। तो आई होप आपको रेडिकल क्या होता है वो समझ में आया, और ऐसा अगर आपको दो डबल बॉन्ड वाला कहीं पे दिखेगा तो कैसे उसका आउटकम फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको समझ में आया। अब ये कार्बन अपना यहाँ बॉन्ड बनाएगा, वो कार्बन अपना वहाँ कहीं पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसा कहीं दिखेगा तो आप समझ पाओगे, ऐसा कहीं दिखेगा तो आप समझ, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में ना, व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, बंदे कैसे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर की, जिसको हम कहेंगे पॉलीथीन। क्या कहेंगे? पॉलीथीन के बारे में। अब याद रखना पॉलीथीन दो टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन। हाई डेंसिटी मैंने कहा ना पॉलीथीन भी वैरायटी के होते हैं भाई, अब पॉलीथीन का मतलब हर प्लास्टिक को पॉलीथीन नहीं कह सकते, ठीक है, और हर पॉलीथीन का बैग हर पॉलीथीन का बैग रिसाइकलेबल नहीं होता, डिपेंड करता है वो पॉलीमर किस टाइप का है, वो पॉलीथीन कौन सा टाइप का। अब जो पॉलीथीन बनता है वो एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसको कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन तीन स्टेप में होता है, इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन करने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट को डालना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये परऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैटलिस्ट कौन होते हैं? परऑक्साइड्स होते हैं। क्यों परऑक्साइड्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एसिटाइल परऑक्साइड है, ये देखो ये परऑक्साइड लिंकेज है बीच में, यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप है, ये मेरे पास एसिटाइल परऑक्साइड है। इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो ये यहाँ से, इसीलिए परऑक्साइड्स को हम लोग ब्राउन कलर की बॉटल में रखते हैं, एम्बर कलर की, डार्क कलर की बॉटल में, क्योंकि परऑक्साइड पे अगर सनलाइट वगैरह गिर जाएगी ना तो उनके अंदर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, और मुझे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना इस प्रोसेस को, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, एंट्रेंस में नहीं आएगा, बोर्ड के पेपर में। मुझे यहाँ पर मिलेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑक्सीजन का एक, उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया, ठीक है, यहाँ पर मुझे मिलेगा ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। अब ये यहीं पे नहीं रुकता, ये और फर्दर जाता है, और फर्दर क्या होता है पता है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन को धक्का मार के बाहर निकालेगा वहां से, यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। अब मैं इसको डबल एरो नहीं, सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये देखो ये यहाँ चला जाएगा, ये इसके पास, इसका ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके पास, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 रेडिकल पहला, मुझे यहाँ पर मिलेगा CH3 का दूसरा रेडिकल, एक और CH3 का रेडिकल मुझे मिल गया, मुझे दो रेडिकल मिल गए CH3 के। अब याद रखना एक एसिटाइल परऑक्साइड दो CH3 के रेडिकल प्रोड्यूस करके देगा, प्लस मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस लेगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, आई गेट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आया ना रिटर्न, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ था, ये देखो यहाँ बॉन्ड तोड़ने के बाद उसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसने अपना अपना वापस लिया था, तो ये और इसका ये वापस बुलाता है, यहाँ बॉन्ड बना लेता है पहला, और दूसरा मुझे यहाँ पर मिल जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब एसिटाइल परऑक्साइड पे जब सनलाइट गिरती है तो दो मिथाइल रेडिकल क्रिएट होते हैं, दो मिथाइल रेडिकल, इनको हम क्या कहते हैं, मिथाइल रेडिकल क्रिएट होते हैं, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल के चली जाती है, सॉल्यूशन में कौन रह जाते हैं, सॉल्यूशन में मिथाइल रेडिकल हो जाते हैं। ये मिथाइल रेडिकल जो मुझे मिलते हैं ना, ये इनिशिएटर का, चेन इनिशिएटर का काम करते हैं, चेन इनिशिएटर का काम करते हैं। कैसे करते हैं चेन इनिशिएटर का काम, देखो इसको समझो जरा। सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। अब इथीन तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो क्यों किसी एक इथीन का मॉलिक्यूल दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल को क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? पर जैसे ही तुम उसके अंदर ये एसिटाइल परऑक्साइड का कुछ ड्रॉप, दो या तीन ड्रॉप सिर्फ ऐड करोगे, तो मुझे पता है एसिटाइल परऑक्साइड जब जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब में जाएगा, उसके ऊपर जब सनलाइट गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या क्रिएट करेगा, उसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, क्योंकि वो बाहर निकल गया। और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्रिएट होगा? उस सॉल्यूशन के अंदर दो मिथाइल रेडिकल, एक मॉलिक्यूल दो मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। अब उस सेकंड प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ अब क्या होगा, सेकंड नहीं चलो पहले ही प्रोसेस में रखते हैं, ये एक मिथाइल रेडिकल आएगा इस तरीके से, और वो मिथाइल रेडिकल एक अल्कीन के मॉलिक्यूल को इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर एक और CH2 था डबल बॉन्ड, चलो इसको ऐसे रखते, ये ऐसे था,
ये मिथाइल का रेडिकल, एक मिथाइल का रेडिकल अल्कीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये देखो ये CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन को कहेगा छोड़ उसके साथ, अगर मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा इधर, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा इधर, मुझे बताओ अगले स्टेप में मेरे पास क्या होगा, अगला स्टेप मेरे पास होगा जो CH3 तुमने ऐड किया था, ये तुम्हारा रेडिकल जो बाहर से निकल के आया था उसने बॉन्ड बना लिया है CH2 के साथ, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और फिर उसके साथ जुड़ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, इसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन, यहां से अब चेन स्टार्ट हुई। अब सोचो सेकंड स्टेप में आपका ये CH3 इसके साथ जुड़ चुका है और यहाँ रेडिकल क्रिएट कर दिए, मतलब मेरा ये CH3 जो था, ये CH3 ये जुड़ चुका है CH2 के साथ और उसने यहाँ पे इसको रेडिकल बना दिया। अब सोचो ऐसे मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइन से खड़े होंगे, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर भी होगा, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी होगा, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर भी होगा। अब ये रेडिकल बन गया तो ये उसको कहेगा तू बॉन्ड तोड़, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख और अब हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते, फिर ये रेडिकल बन जाएगा, बना, फिर ये इसको कहेगा तू बॉन्ड तोड़, ठीक है मैं बॉन्ड तोड़ देता हूँ, तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, उसका इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, अपन दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ये देखो ये बॉन्ड बन गया, अब ये रेडिकल बन गया, देखो रेडिकल शिफ्ट होते जा रहा है, चेन बनती जा रही है, रेडिकल शिफ्ट होते जा रहा है, फिर ये इस कार्बन को कहेगा तू बॉन्ड तोड़ उधर से, तोड़ दिया, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले, ले लिया, अब मेरे साथ बॉन्ड बना, बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन एक इसका, तो इस बंदे ने क्या किया, एक मॉलिक्यूल पे अटैक करके, इस एक मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसने चेन को स्टार्ट किया, अब ये चेन चलती चली जाएगी ऐसे, किप ऑन गोइंग, इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन किसने किया, इस बंदे ने किया जो बाहर आया, इसने, ये कहां से आया, हम इसमें चेन इनिशिएटर डालते हैं जो कि यूजुअली परऑक्साइड होते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, परऑक्साइड रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, कोई तो एक रेडिकल यहाँ अटैक करेगा एक मॉलिक्यूल पे, वहां से चेन स्टार्ट होगी। अब सोचो आपके पास इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर इथाइल के करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे और आपने मिथाइल के कुछ हजार मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल्स भी अगर रेडिकल प्रोड्यूस हो गए तो कितने मॉलिक्यूल एक साथ चेन स्टार्ट करेंगे, सब आप समझ पा रहे हो इस चीज को, जब आप एक बूंद डालते हो उस एक बूंद के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बहुत सारे मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, तो हर मिथाइल रेडिकल ये इधर अपनी चेन स्टार्ट कर दिया, उसने उधर अपनी चेन स्टार्ट कर दी, उसने उधर अपनी चेन स्टार्ट कर दी, एक सिर्फ चेन स्टार्ट नहीं होती, एक साथ बहुत सारी चेन स्टार्ट हो जाती है बननी, दुनिया भर की चेन स्टार्ट हो जाती है बननी। ये खत्म कब होगा, ये खत्म तब होगा, लास्ट स्टेज आएगी चेन टर्मिनेशन, तीसरी स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन। दो तरीके से हो सकती है, कैसे दो तरीके से हो सकती है, सपोज करो ये CH3 का रेडिकल था जो जिसने चेन स्टार्ट करी थी, ये चलते गया, इसने बहुत सारे CH2 बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल्स को, एंड टाइम लिख देता हूं मैं, अब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे पता नहीं कितने और होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने पास कनेक्ट कर लिया, इसका जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा ये रेडिकल होगा, ये आगे बॉन्ड बनाता है, ये दूसरा मिथाइल रेडिकल अगर गलती से उसके सामने आ गया, अगर ये वाला मिथाइल रेडिकल गलती से उसके सामने आ गया तो यहाँ चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3 जिसने चेन को स्टार्ट किया था, जिसने बहुत सारी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ इस तरीके से एंड टाइम बॉन्ड बनाया और फाइनली उधर अगला मिथाइल रेडिकल आके इस एंड से जुड़ गया। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जब आप एक बूंद रेडिकल मिथाइल परऑक्साइड एसिटाइल परऑक्साइड डालोगे ना तो हजारों मिथाइल परऑक्साइड मिलेंगे, मिथाइल रेडिकल मिलेंगे, ये कुछ लोग चेन स्टार्ट कर देंगे, कुछ रह जाएंगे, अरे मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा है चेन स्टार्ट करने के लिए, होता है ना ऐसे, तो इसने अपना चेन स्टार्ट कर दिया, उसने अपना चेन स्टार्ट कर दिया, उसने अपना चेन स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँ, हाँ तो मैं चेन टर्मिनेट करने का काम करूंगा, तुम चेन स्टार्ट करो, कहीं बढ़ते जाओगे कहीं पर तो मैं तुमसे आके टकराऊंगा, क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं, मैं तुमसे टकराऊंगा और मैं चेन को टर्मिनेट करूंगा, पहला ऑप्शन चेन टर्मिनेशन पहले इस तरीके से हो सकती है। दूसरी चेन टर्मिनेशन का तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से CH3 का मॉलिक्यूल हो जिसने हजारों CH2 मॉलिक्यूल्स को, लाखों आई डोंट नो कितने को, यहाँ अपने पास लगाया हो, यहाँ ये रेडिकल बना हो, ये देखो ये वाला कार्बन रेडिकल है, ठीक है लास्ट जो कार्बन होगा वो यहाँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कैसे वो आगे बढ़ता गया अब ये रेडिकल बन गया। ऐसा ही एक और हो गया, तो ऐसा ही एक CH3 का रेडिकल हुआ होगा जिसने CH2 बॉन्ड CH2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, मैं यहाँ एन लिख देता हूँ, एन टाइम्स मॉलिक्यूल को बना, ये वाला कार्बन रेडिकल हुआ होगा लास्ट,
ऐसे दो ग्रोइंग चेन, मतलब एक चेन यहाँ से शुरू हुई, एक चेन यहाँ से शुरू हुई, रेडिकल 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 रेडिकल, दोनों अगर आमने सामने आ गए तो जुड़ जाएंगे। तो ये और ये रेडिकल आमने सामने आ गए तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 जो कि स्टार्टर था, ये जिसने स्टार्ट किया था चेन, ये मैं जो ये जो डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने चेन स्टार्ट किए थे। इसने बहुत सारे CH2 बॉन्ड CH2 को फंसाया एन टाइम्स, यहाँ पर एक CH3 होगा, CH3 जिसने बहुत सारे CH2 बॉन्ड CH2 को फंसाया इस तरीके से एन टाइम्स, और फाइनली ये दोनों मॉलिक्यूल आमने सामने आ गए तो यहाँ से ये चेन बंद हो जाएगी, ये एन टाइम्स लगे होंगे और ये एन टाइम्स लगे होंगे। चेन टर्मिनेशन दो तरीके से की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, परऑक्साइड होगा, रेडिकल फॉर्म करेगा, रेडिकल किसी एक अल्केन पे अटैक करेगा, वहाँ से चेन स्टार्ट होगी। ये पहला मॉलिक्यूल था जहाँ चेन स्टार्ट हुई, फिर वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे, वो तीसरे मॉलिक्यूल पे, वो चौथे मॉलिक्यूल पे चेन टर्स्ट इनिशिएशन प्रोपोगेशन होगा, चेन का प्रोपोगेशन होगा। टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो बढ़ती हुई चेन के पीछे वो एक और रेडिकल आके जो आपका था जिसने स्टार्ट किया था वो आके चिपक जाए, दूसरा एक चेन और दूसरी चेन आमने सामने आके मिट जाए तो इसका लास्ट वाला एंड इसका लास्ट वाला एंड एक दूसरे से चिपक जाएगा और फाइनली मुझे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? सी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जैसे मान लो एक तरफ मेरे पास इथाइल ग्लाइकॉल है, ये इथाइल है, इथिलीन जिसको हम कहते हैं इथिलीन, ठीक है, ये इथिलीन है और उस पर दो OH लगे हुए हैं, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे OH लगते हैं तो हम उसे ग्लाइकॉल कहते हैं, तो ऊपर से दो OH लगे हुए हैं तो उसे हम ग्लाइकॉल कहेंगे, ठीक है। तो वी सिंगल जर्मिनल आप लोगों ने पढ़ाई हो, तो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। अब सामने है मेरे पास टर्थैलिक एसिड, आपका बीच में बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, मतलब दो एसिटिक एसिड ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ आके जुड़ गए, इसको हम टर्थैलिक एसिड कहते हैं। अगर ये दो मॉलिक्यूल आमने सामने आ जाएं तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा OH का और यहाँ से ये, अब सोचो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ऐसे मेरे पास एक और यहाँ पे होता OH, यहाँ होता CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे होता OH और यहाँ पे फिर मेरे पास टर्थैलिक एसिड होता OH सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाता मेरे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे होता सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता OH। अब सोचो इमेजिन करो यहाँ से ये वाला OH और इसका H निकल जाए, यहां से ये वाला OH और इसका H निकल जाए, यहां से ये वाला OH और इसका H निकल जाए, आपको नहीं लगता यहां पे लिंकेज स्टार्ट हो जाएगी? कैसी लिंकेज स्टार्ट हो जाएगी? ये कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ, सॉरी इस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ, इस ऑक्सीजन का एक डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा यहां पे, वैसे ये वाला H भी निकलेगा, वैसे यहां से भी तो ये OH निकला होगा, एग्री करते हो? तो आपको नहीं लगता यहां से ये कंटिन्यू करेगा, वहां से वो कंटिन्यू करेगा, ऐसे ये चेन चलती चली जाएगी। तो ये एक मोनोमर है, दिस इज वन मोनोमर, कैन यू सी दिस, दिस इज अनदर मोनोमर, ये दो मोनोमर मिक्स हुए, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर उसने, या इट्स जस्ट लाइक ए बॉन्ड बी बॉन्ड ए बॉन्ड बी बॉन्ड ए बॉन्ड बी, इस तरीके से ये ए है ये बी है ये ए है ये बी है, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसा इथाइल ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टर्थैलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके एक बनाया और ऐसे बहुत सारे यूनिट फिर जुड़ते चले गए। यहाँ पर ये CH2 बॉन्ड CH2 को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये OH और ये H तो वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गया, -H2O बन के बाहर निकल गया। जैसे यहाँ देखो ये OH और ये H तो बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बन के, ये OH और ये H तो बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बन के, तो यहाँ से सब क्या निकल गया, पानी टपक रहा है पानी, कंडेंसेशन हो रहा है वहाँ पे, और ये CH2 का डायरेक्ट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, CH2 का डायरेक्ट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे इस कार्बन इस ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड CH2 के साथ, इस ये देखो ये पूरी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड और बॉन्ड OH है, आपको नहीं लगता ये पूरी रिंग कंटिन्यू, क्योंकि ये वाला OH भी तो बॉन्ड बनाएगा ना आगे जाके, कंटिन्यू करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ एन टाइम्स। लॉजिक समझ में आया? अब तुम सोचोगे सर आपने ये बेंजीन रिंग के बाहर ये सी डबल बॉन्ड OH ऐसे क्यों लिखा? देखो ऐसे समझो, ये CH2 बॉन्ड CH2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया CH2 का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, CH2 का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH के साथ, ये बेंजीन रिंग अंदर। अब जो ये सी डबल बॉन्ड OH है ना, इसका ये H कुर्बान होने वाला, तो आप चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से,
आप इसको ऐसे एंड टाइम लिख सकते हो, ये भी चलेगा, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होगी। देखो ये फिर से वही आ गया, फिर से वही होगा, ये वाला एच कुर्बान होगा, यहाँ से ये ओ एच कुर्बान होगा, यहाँ से ये ओ एच, यहाँ से एच कुर्बान होगा, ऐसे। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उम्मीद करता है, और इसको हम को पॉलीमर भी कहते हैं। व्हाई डू यू कॉल इट एज को पॉलीमर? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो गए, चिपक रहे हैं ऐसे, वो मॉलिक्यूल और उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, ए बॉन्ड ए बॉन्ड बी ए बॉन्ड ए बॉन्ड बी ए बॉन्ड बी चल रहा जा रहा है। इसको हम कहते हैं डेक्रॉन टेरिलीन। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, ये याद रखना। आपको मैं पूरी लिस्ट बना के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमने बाहर लिख देना ज़्यादा बेटर होगा, ये हटा देता, ठीक है? ये हो, अब ठीक है, अब समझ में आया, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रीओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो पढ़ाया उसमें ये पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये इधर एडिशन कंडेंसेशन, फिर हमने यहाँ पे एक पढ़ा था जिसको हम कहते थे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है? वो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अब रिंग ओपनिंग में बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कैप्रिलेक्टम, NH का बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, CH2, 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 देखो साइकिल, ठीक है, इट्स अ साइकिल। अब सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ ये कार्बन लगा, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम, यानी इसमें एप्सिलॉन तक कार्बन है और ये कैप्रोलेक्टम, ठीक है ना? ये एप्सिलॉन है। यहाँ पे जब हम कुछ रिएजेंट्स वगैरह कंडीशन बनाते हैं, मैं कंडीशन रिएजेंट नहीं लिखना चाहता यहाँ पे, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। बेसिकली हम यहाँ पे वाटर लेके आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सी ओ एच, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड ओ एच, ये हाइड्रोजन जाकर NH2 पर अटैक, NH पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मुझे यहाँ साइड मिलेगा NH2, यहाँ मिलेगा मुझे NH2, ये देखो ये NH2 मिल गया यहाँ पे, और ये साइड में मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OH। अब देखो याद रखना, ऐसा कभी अगर होता है, आप लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स में भी तो यही हो रहा था, एक तरफ अमीनो ग्रुप था, एक तरफ एसिडिक ग्रुप था, देखो एक तरफ अमीनो ग्रुप है, दिस इज वॉट, दिस इज अमीनो ग्रुप, एंड वॉट इज दिस, दिस इज एसिडिक ग्रुप। यहाँ क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। अब ये एक दूसरे के, ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, यहाँ पे मैं NH2 लिख देता हूँ, CH2 पांच बार, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यहाँ पे NH2 की जगह मैं H लिख देता। अब सपोज करो ऐसा ही एक मॉलिक्यूल सामने और आ जाता, तो NH CH2 फाइव टाइम्स सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, बोलो क्या होगा, इस सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का ओ एच, इस NH का H, ये यहाँ से कंडेंसेशन होके बाहर निकलेंगे, और ये डायरेक्ट बॉन्ड जो होगा ये बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये यहाँ ये साइक्लिक था, हमने रिंग को पहले ओपन किया और फिर उसमें से मॉलिक्यूल्स को जोड़ते चला स्टार्ट कर, तो ये पहले रिंग थी, ये रिंग थी, इसको हमने तोड़ा पहले, उसको सीधा किया यहाँ पे H लगा के, यहाँ पे OH लगा के, और फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया, तो सी डबल बॉन्ड OH जहाँ पे हमने OH लगाया था, और NH जहाँ पे हमने H लगाया था, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बन के बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और डायरेक्ट बॉन्ड किसके किसके बीच में बन जाएगा, डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन और NH के बीच में बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये चीज, और यहाँ से ये OH को मैं हटा देता हूँ, ये NH CH2 फाइव टाइम्स, ये N टाइम्स रिपीट होती चली जाएगी, उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आई होप अब आपको लॉजिक समझ में आया होगा, इसको हमने NH क्यों लिखा है, NH2 क्यों नहीं लिखा, हम NH क्योंकि H जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो NH2 होना चाहिए था, क्लियर है? और जब OH इस पर अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ OH होना चाहिए था, यहाँ H होना चाहिए था, लेकिन ये H और OH की प्रॉब्लम क्या है, जब ये पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा सामने वाले मॉलिक्यूल के OH के साथ या H के साथ, तो वहाँ पे मुझे N टाइम्स मॉलिक्यूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इजी पीजी यहाँ पे मैं N टाइम्स लिख देता हूँ। इसको हम नाइलॉन 6, इसको हम नाइलॉन कहते हैं, ठीक है, ये नाइलॉन है बेटा, ये जो आपने पढ़ा है ना अभी, इसको हम नाइलॉन का पॉलीमर कहते हैं। तो नाइलॉन बनाने के लिए हमको जो मोनोमर लगता है वो कौन सा लगता है, हमें एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम लगता है, याद रखना, ठीक है? आने वाले केसेस में नेक्स्ट वीडियो जो होगा जिसमें मैं आपको सारे पॉलीमर लाइन से सिखाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट सारे पॉलीमर, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर कौन से होते हैं। अब देखिए,
ये होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। होमोपॉलीमर का मतलब जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ए बॉन्ड, ए बॉन्ड, ए बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल है सेम टाइप के। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, ए बॉन्ड, बी। अब आपको ये एग्जाम्पल याद नहीं रहने वाले, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, ये नाइलॉन्स, जब आप ये मॉलिक्यूल्स को पढ़ोगे तब आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि वो कोपॉलीमर है कि वो होमोपॉलीमर है। ठीक है, होमोपॉलीमर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मुझे कुछ बता दो ये क्या है, ये होमोपॉलीमर है, एक जैसा मॉलिक्यूल है जो बार बार रिपीट करता चला जाएगा, बताओ ये क्या है, ये कोपॉलीमर है। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, लेकिन ये कौन सा पॉलीमर है, ये को पॉलीमर है क्योंकि ए बी ने बॉन्ड बनाया है। फिर मुझे बता दो इथिलीन क्या है, पॉलीथिलीन क्या है, पॉलीथिन क्या है, ये पॉलीथिन, पॉलीथिन, पॉलीथिन जो है ये होमोपॉलीमर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉलीथिन क्या है, एक तरीके का होमो पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो नंबर 2 में हम मिलेंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे दुनिया भर के जो आपके अलग अलग पॉलीमर्स है, जैसे नेचुरल रबर हो गया, फिर उसके बाद में पॉलीथीन के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन कैसे बनता है हमने बता लिया, अब उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टेफ्लॉन क्या होता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, पॉलीओमाइड पॉलीमर्स क्या क्या होते हैं, नाइलॉन 6-6 क्या होता है, नाइलॉन 6 क्या होता है, फिनॉल बेकलाइट कैसे बनता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, ये सारे ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, नियोप्रेन, विस्कस रेयॉन, ये सब डिस्कस करेंगे। देखो कुल मिला के ऑलमोस्ट आपको 15 पॉलीमर की लिस्ट है, ये 15 पॉलीमर याद रखना, ये 15 पॉलीमर जेई नीट दोनों के लिए हैं, एज वेल एज सीईटी के लिए भी हैं, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो उतना ही पढ़ेंगे जितना उनकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हो। तो इसमें मैं बता दूंगा क्या है, ये देखो ये जो ब्लू कलर का, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं, ये सब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले हैं। ठीक है, ये सब जो एक्स्ट्रा है मैं बता दूंगा मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।